अपने प्रोग्राम में चलाना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं आपने जाहिर करना। ये जो शेलिंग हुई है इस्लामाबाद में, जो शेल इस्तेमाल किए गए हैं मुजाहिरीन के खिलाफ, ये जो शेल हैं, ये सबसे पहली बात तो यह है कि ये पुलिस को अलाउ नहीं होते ये शेल। ये जो शेल इस्तेमाल किए गए हैं, ये शेल वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कोई बिल्डिंग या कोई कमरा जो है वो यानी कि होस्टेज बना लिया गया हो, ये जो जगह होस्टेज बना ली जाती है उस पे इस्तेमाल होते हैं, ताकि जिन्होंने होस्टेज बनाए हुए हैं जैसे ये शेल अंदर जाके गिरे। इसकी खूबी यह है कि ये फौरी तौर पे जहाँ पे ये फटता है वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म कर देता है और बंदे को फौरी तौर पर बेहोश करता है ये। और इसको मैंने कन्फर्म मैंने किया है, और ये वार क्राइम है, ये कभी भी आम आदमी के खिलाफ ये शेल इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये शेल वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए हों, उनसे जगह खाली करवाने के लिए या होस्टेज को छुड़वाने के लिए जो है वो ये शेल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पुलिस के पास ये शेल मतलब नहीं है ना, पुलिस को ये अलाउ है कि ये इस तरह मुजाहिदीन पे इस्तेमाल करे। जो नॉर्मल शेल होता है आंसू गैस का, वो उसके माइनर इफेक्ट होते हैं, उसमें बंदा बेहोश नहीं होता, वो सिर्फ आंखों में जलन होती है, या वो आदमी जिसके फेफड़े कमजोर होते हैं वो उसमें उसको सांस लेने में मुश्किल होती है। जो नॉर्मल बंदा है वो उसमें आराम से गुजारा जो है वो कर सकता है खुली हवा के अंदर। आंसू गैस का शेल इतना अफेक्ट नहीं करता, ये फौरी तौर पे ये ऑक्सीजन को खत्म करता है। ये लड़की उठाई हुई है, इस तरह के शेल जमा करें और इसको लेके जाएं कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे अब विटनेस एक तो मुजाहिरीन होंगे, दूसरा मुजाहिरीन के अलावा एक्सपर्टी के लिए जो है ना ये इमरान खान को चाहिए, को 5-10 रिटायर फौजी वो आराम से आ जाएंगे कोर्ट को इस बारे में बताने के लिए कि शेल कहाँ इस्तेमाल होते हैं। 5-10 जो है वो फौजी जो है वो कोर्ट में पेश कर दे, मुकदमा जो है वो राणे सनावले के गले पड़ जाएगा।